कम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा, आई एम धनंजय। ईएसआईसी एमटीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसे में आप सभी कैंडिडेट्स को ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं और आपको मॉक टेस्ट में किस तरीके से लगाना है, जिससे फाइनली आपको ये पता चल सके कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन जो है वो आपका हर हाल में फाइनल में आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ईएसआईसी एमटीएस में आपके प्रीलिम्स में 2,35,196 बच्चे एग्जाम देने गए थे। ऐसे में आपकी 1,948 आपकी वैकेंसी आपकी है टोटल। तो यहाँ पे 10 टाइम कैंडिडेट्स मेंस के लिए पास किए जाएंगे, जो कि 19,480 पास किए जाएंगे। अब ऐसे में आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस है उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल जितने बच्चे अपियर हुए हैं -19,480 अपॉन 2,35,196। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका जो परसेंटाइल आएगा वो आपका 91.17 आपका ओवरऑल आएगा। तो आपको अपने मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे हो, अगर आपका उसमें परसेंटाइल 91.17 आपका आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे ऊपर आपका नहीं आ रहा है, आपका इससे नीचे आ रहा है, तो आपको अभी उस पर फोकस करना है और आपका जो परसेंटाइल है वो 91 के ऊपर हर हाल में आना चाहिए ही, क्योंकि अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस आपके कहीं ना कहीं आपके बहुत कम है। तो ऐसे में अभी आप सिर्फ फोकस करिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए, क्योंकि मेंस के लिए आपका टाइम ज्यादा नहीं बचा है, इवन 14 दिन का आपके पास टाइम बचा है। इन 14 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं। बाकी ऑलरेडी मैंने हर सब्जेक्ट का टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पीडीएफ, वो एक बार जाके जरूर देख लें, उससे आपको कहीं ना कहीं एक बहुत हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। ओके।